प्रथम तहलका न्यूज। बहादुरगढ़ नगर परिषद द्वारा छोटूराम नगर के पास रेलवे की जमीन पर लाखों रुपए खर्च कर पार्क का निर्माण करवाया गया था। करीब एक साल पहले बनाया गया ये पार्क काफी जर्जर हालत तक पहुंच गया है। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं कि पार्क में जो भी खामियां हैं उनको ठीक करवाया जाए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे पार्क में लगाए गए बच्चों के लिए झूले, वॉकिंग ट्रैक के हालत बहुत खराब है और साफ सफाई का भी बुरा हाल है, जिस कारण पार्क में घूमने आने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक बार फिर गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन खामियों को दूर करवाया जाए और पार्क की निरंतर देखरेख की जाए, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सके। क्या नाम जी आपका? नमस्कार, शेखर यादव। यादव साहब, समस्या जैसे कि आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हो कि यहाँ पे झूले टूटे हुए हैं, ना तो पार्कों में सफाई होती है। सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। यहाँ पर दारू शराब पीने वाले, गांजे पीने वाले, नशेड़ी पशेड़ी लोग ज़्यादा घूमते फिरते हैं पार्कों में, और यहाँ पे ना तो कोई साफ सफाई होती है और ना ही मतलब कोई देख रहे होते। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे ये जो रोड टूटा हुआ है इसको बनवाया जाए, और ये जो साफ सफाई के ये जो है इनकी साफ सफाई हो, ये जो कचरों के ढेर लगे हुए हैं, जो झूले टूटे हुए हैं, ये झूले बनवाए जाए, और आम जनता, आम पब्लिक के लिए जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए पीने के लिए एक वाटर कूलर भी मतलब प्रशासन की ओर से रखा जाए, कराया जाए। पार्क की हालत में क्या करना है, क्या ऑपरेशन? आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं पार्कों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर जो है पार्क जो है नशे का अड्डा बन चुका है। कई बार प्रशासन को और अधिकारियों को इस बारे में भी बता, यहाँ के लोगों ने बता दिया है, कंप्लेंट भी दे रखी है, पर कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई समाधान नहीं होता, कोई देखने नहीं आता। पार्क में अगर आप देखें तो इस पार्क के अंदर भी अभी हज़ारों लोग यहाँ पर डेली सुबह शाम आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पर जुआ भी चलता है। यहाँ पर भी कई लोगों ने, वार्ड के लोगों ने हमारे को बताया कि इस बारे में कि कॉलोनी के अंदर भी, वार्ड के अंदर भी, पार्क के अंदर जो है बाहर के आदमी यहाँ ज़्यादा बैठते हैं, कॉलोनी का आदमी यहाँ कम होता है। हालत बहुत बुरी है जी। जब से पार्क बना है लगभग साल भर हो चुका है, उस साल से लेकर के इस साल तक मेरे ख्याल से एक भी कोई सफाई कर्मचारी आज तक यहाँ पर नहीं आया। पूरी पूरे पार्क के अंदर जो है कूड़े का बहुत बुरा हाल है। प्रथम तहलका के लिए बहादुरगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।